आखिरकार रिलीज हो चुकी है सलमान खान की मच अवेटेड फिल्म भारत। जिस फिल्म का इंतजार हर कोई कर रहा था, आखिरकार 5 जून आया और इस फिल्म को देखने के लिए बॉक्स ऑफिस पर उमड़ गई लाखों करोड़ों की भीड़ और रिस्पॉन्स इस फिल्म को मिल रहा है काफी ज्यादा बेहतरीन। भाई जिस चीज की उम्मीद थी इस फिल्म से, वो फिल्म को यहाँ पूरी हद तक देखा जा रहा है। फिल्म को एक्शन, ड्रामा, रोमांस और इसी के साथ सस्पेंस से पूरी तरह से भरा गया है और हर कोई इस फिल्म को खूब एंजॉय कर रहा है। लेकिन बता दें कि इस फिल्म में और भी खूब सारी स्पेशल बात है और वह तब जान पाएंगे जब इस फिल्म को देखेंगे। लेकिन हम आपको यहाँ ये बता रहे हैं कि आखिर ये फिल्म पहले दिन पर कैसा रिस्पॉन्स कर रही है। लेकिन इससे पहले आपको ये बता दें कि इस फिल्म की स्क्रीनिंग सबसे ज्यादा रखी गई है साल 2019 में और वो है 4800 की। लेकिन इसी के साथ अब बात करते हैं कि आखिर इस फिल्म का पहले दिन का और कितना रिस्पॉन्स है। और अगर बात की जाए इस फिल्म की ऑक्यूपेंसी की, तो मॉर्निंग में 78% से ज्यादा इसका रिस्पांस रहा और वहां आफ्टरनून में 95% के साथ इसकी ऑक्यूपेंसी रही। लेकिन हॉलीवुड फिल्म एवेंजर्स के मुकाबले ये खड़ी नहीं उतर पाई और 1 बजे तक इस फिल्म का कलेक्शन अभी तक हो चुका है 20 करोड़ का। बता दें कि अच्छी खासी रिकॉर्ड बनाती हुई नजर आ रही है फिल्म। अभी तक साल 2019 की थर्ड हाईएस्ट ओपनिंग कर इस फिल्म ने रिकॉर्ड कायम कर दिया है। इससे पहले फिल्म केसरी नजर आई थी अपने पहले दिन पर कलेक्शन पाती हुई 21 करोड़ का और करण जौहर की फिल्म कलंक ने पहले दिन पर 20 करोड़ की कमाई कर ली थी। लेकिन यहाँ साफ तौर पर नजर आ रहा है कि ये फिल्म इनका रिकॉर्ड जरूर तोड़ देगी। अब बात करते हैं कि आखिर इवनिंग शोज कैसे हैं। तो ये रिस्पांस मिल चुका है कि भाई इवनिंग शोज तो हो चुके हैं हाउसफुल और ऐसे में पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है सभी ऑडियंस की ओर से। सभी यहाँ आ रहे हैं इस मूवी को देखकर खूब इमोशंस के साथ बाहर। तो वहीं स्टोरी बिल्कुल अच्छे से पकड़ी गई है और समझ आ रही है। एक के बाद एक पूरी कहानी यहाँ अच्छे से पेश की गई है। लेकिन जब ये फिल्म सामने आई है दर्शकों के, तो हर कोई इसे पसंद जरूर कर रहा है और कह रहा है ये कि ये आने वाले वक्त में और भी अच्छा रिस्पॉन्स पाती हुई दिखाई देगी। लेकिन इसके पहले दिन के कलेक्शन पर अगर बात की जाए तो ये 40 to 45 करोड़ कमा सकती है। लेकिन इसी के साथ हम आपको ये भी जानकारी दे दें कि इस फिल्म को रिलीज किया गया है 70 कंट्रीज में। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इसका काफी अच्छा आने वाला है क्योंकि ओवरसीज में अभी तक ये कमाई कर चुकी है 11 करोड़ की और ओवरसीज के अगर प्रॉपर वन डे के कलेक्शन पर बात की जाए तो ये फिल्म कमा सकती है 20 से 21 करोड़। और ऐसे में वर्ल्ड वाइड प्लस इंडिया के स्क्रीनिंग के हिसाब से इस फिल्म की पहले दिन की कमाई हो सकती है 60 to 70 करोड़ की। तो दोस्तों अभी तक तो आ रहा है इस फिल्म का काफी अच्छा रिस्पॉन्स सामने। मगर हाँ, अगर आप इस फिल्म को देख चुके हैं तो आप हमें कमेंट के जरिए ये जरूर बताइएगा कि आखिर आपको ये फिल्म कैसी लगी। और ये भी बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि सलमान खान की मूवी आप कब देखने जा रहे हैं। और हाँ, इस फिल्म का आखिर कलेक्शन क्या रहने वाला है, डे बाय डे कैसा अच्छा रिस्पॉन्स करती हुई ये फिल्म नजर आएगी, इसे जानने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल ना जाएं।